नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज हमारे साथ महाराज पुनीत जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्योंकि गुना में आज जी के गार्डन में उनकी कथा का आयोजन किया जा रहा है। उनकी मधुर वाणी से यहाँ के लोग श्रीमद भागवत कथा का आनंद लेंगे, साथ ही उसका श्रवण करेंगे। गुना के अंदर प्रथम बार आयोजन मेरे द्वारा श्रीमद भागवत महापुराण का यहाँ पर हो रहा है और समस्त गुना का नगरवासी समस्त श्रोतृबंध उन सबसे भी निवेदन है कि जिके जैन गार्डन के अंदर श्री भानु प्रताप जी सिसोदिया के माध्यम से होने जा रहे श्रीमद् भागवत के दिव्य अनुष्ठान के अंदर आप सब पधारें, कथा का रसपान करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सत्य सनातन धर्म एवं हमारे सनातन वैदिक वांग्मय धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ है, अतः हम सबको समस्त धर्म कार्य से अपने जीवन को जोड़ते हुए कथा यज्ञ तप इत्यादि के अंदर जीवन को हम सबको लगाना चाहिए एवं आप सभी से भी मेरा आग्रह रहेगा कि गुना के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य अनुष्ठान हो रहा है, आप सब लोग बड़े भाव से कथा श्रवण के लिए पधारे। तो महाराज जी, इससे पहले आप क्या गुना में एक दो कथा आपने की या पहली बार आपकी कथा है ये? मेरा प्रथम बार गुना के अंदर आगमन हो रहा है और यहाँ के क्षेत्र जिस प्रकार से कलश यात्रा संपन्न हुई है बड़े भव्य रूप के अंदर, तो गुना के अंदर समस्त बंधुओं का धर्म के प्रति सुंदर भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मेरा विश्वास है कि सुंदर यह अनुष्ठान सप्त दिवस का संपन्न होगा। आप सभी की उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति सादर वांछित रहेगी, आप सबसे निवेदन। तो महाराज जी, आप बताया जाता आप कोटा से आए हुए हैं, तो आपने अपना जो ज्ञान है वो आपके महाराज, इससे पहले महाराज कौन थे जिससे आपने ये शिक्षा दीक्षा ली और अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं? मेरे पूज्य दादाजी आचार्य प्रवर विद्वत वरिण्य श्री मांगीलाल जी आचार्य, जिन्हें यज्ञ सम्राट के नाम से भी जाना गया है एवं उन्होंने अपने जीवन में हजारों श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठानों को संपन्न किया है, उन्हीं की शिक्षा दीक्षा के अंदर एवं आचार्य श्री महावीर प्रसाद जी, उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य कथा के अंदर प्रवेश कर पाए। तो उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य वाचन संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर लगभग हो चुका है। आप हमारे गुना जिले के वासियों को कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो धर्म से, मतलब आज के देख रहे हैं युग में धीरे धीरे धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती भी जा रही है, और महाराज जी आप ऐसा कोई संदेश दें जिससे नगरवासी उस संदेश का अनुसरण कर सकें? हमारा भारतवर्ष धर्म के लिए ही जाना जाता है। भारतवर्ष श्री राम के चरित्र का अनुसरण करता है और रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। अतः मैं चाहूँगा कि हम सब धर्म से जुड़े एवं भक्ति ऐसी हो जो ज्ञान से संपन्न हो और अंध भक्ति की ओर न बढ़ते हुए ज्ञान संपन्न भक्ति की ओर हम सब बढ़ें, ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर 7 दिन ये कथा का आयोजन किया जाएगा जी के गार्डन में। ये भानु सिसोदिया जी द्वारा इस कथा का आयोजन किया जा रहा है और आप लोगों को इस कथा में आकर ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा का श्रवण करें, साथ ही उनके दिए गए प्रवचनों का अनुसरण करें कि इस कथा का वाचन YouTube पे भी दिया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए महाराज जी कथा का वाचन करेंगे, हम उनसे पूछते हैं। श्री राधा रत्न बिहारी फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल से आप सब लोग लाइव कथा के माध्यम से जुड़ सकते हैं एवं संपूर्ण विश्वभर के अंदर इसका प्रसारण यूट्यूब फेसबुक माध्यम से होगा। श्री राधा रत्न बिहारी यूट्यूब चैनल एवं उससे आप सब्सक्राइब एवं शेयर इत्यादि करें जिससे समस्त श्रोतृबंधों को, भक्तों को कथा का लाभ प्राप्त हो सके। तो आप करीब 3 बजे इस कथा का सीधा लाइव देख सकते हैं।